आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखो मैम, ऐसा है कि केजरीवाल तो बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले जो उनके चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान सिंह, सबसे बड़े नशे के सबसे बड़े ड्रिंकर तो वो खुद ही हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि बेरोजगार आदमी नशा करता है। अगर बेरोजगार आदमी नशा करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो केजरीवाल जी ने जो लोगों को भ्रमित विज्ञापन दिया था या लोगों से वादा किया था, वो किसी भी वादे पर आज तक खड़े तो नहीं उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल की, उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और साथ साथ में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाने की बात की थी। उसी तरह से जब 2021 में उन्होंने पंजाब का रुख किया था तो उन्होंने बोला था जिस दिन मैं पंजाब में आ गया उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो मैं पंजाब को नशे से मुक्त कर दूंगा। अभी जब वो आ गए हैं सत्ता में वहाँ पे, तो अब उनका कहना है कि देश में या पंजाब में नशा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बेरोजगारी है। तो क्या अपने ही वादों से पीछे हट रहे हैं, अपने ही कई हुई बातों से क्या लगता है पीछे हट रहे हैं? आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर आप? देखो मैम, ऐसा है कि केजरीवाल तो बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले जो उनके चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान सिंह, सबसे बड़े नशे के सबसे बड़े ड्रिंकर तो वो खुद ही हैं। तो अपने मुख्यमंत्री को तो पहले सही करें। दूसरी चीज़ है कि बेरोजगार से नशे का कोई संबंध नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। सबसे पहले पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर शुरू से ही ड्रग्स और बहुत सारी नशे की जो भी चीज़ें हैं वहाँ होती है और वो बेसिक लेवल पर होती है। तो इन चीज़ों को आपको अगर कंट्रोल में करना है तो आपको बहुत नीचे लेवल से काम करना पड़ेगा। इसके लिए से आपको लोगों के ऊपर दोष ना देके खुद के ऊपर आपको संगठित करके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जो कि केजरीवाल तो कभी गए ही नहीं आज तक। उनको तो मोदी हटाओ, ये करो उस पर ज़्यादा, वो तो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोई भी आदमी नशा करता है उसका अपना एक कारण होता है। नशा का कोई कारण बेरोजगारी ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि बेरोजगार आदमी नशा करता है। अगर बेरोजगार आदमी नशा करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि नशा तो अच्छी चीज़ें हैं नहीं, कोई भी नशा हो, किसी टाइप का भी नशा हो। तो केजरीवाल जी ने जो लोगों को भ्रमित विज्ञापन दिया था या लोगों से वादा किया था, वो किसी भी वादे पर आज तक खड़े तो नहीं उतरे, चाहे वो दिल्ली में नहीं उतरे, चाहे वो पंजाब में नहीं उतरे। लगता पंजाब में खड़े उतरेंगे, जबकि उन्होंने जब 2021 में बोला था 3 महीने के अंदर नशा मुक्त बना दूंगा मैं पंजाब को, लेकिन अब पंजाब में आ गए तो अब कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से नशा हो रहा है। अगर जो युवा हैं उनके पास रोजगार होगा तो नशा नहीं होगा। तो क्या जिन युवाओं के पास रोजगार होगा वो नशा नहीं करेंगे? नहीं, वही तो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ ना कि नशा का रोजगार और बेरोजगारी से तो कोई संबंध नहीं है। और दूसरा चीज, अगर आम आदमी, अभी तो सरकार आम आदमी पार्टी की है ना, तो अगर बेरोजगार है तो क्यों बेरोजगार है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना। केजरीवाल जी को या फिर उनकी जो चीफ मिनिस्टर है उनको वो करना, रोजगार देना चाहिए जिससे कि उनके हिसाब से कि नशा ना हो। लेकिन ये बिल्कुल सरासर सबसे बड़ा बात ये है कि आम आदमी पार्टी का और जो केजरीवाल है उनका जो करनी और कथनी में बहुत अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। देखा जाए, अच्छा क्या लगता है जिस तरह से पंजाब में इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी है, क्या लगता है, क्या जिस तरह से दिल्ली में वादे पूरे किए हैं वैसे ही वो पंजाब में वादे पूरे करेंगे? मुझे तो लगता है कि दिल्ली में भी नहीं वादे उन्होंने पूरा किया, क्योंकि वो तो जब भी कोई बात उठती है वो सेंट्रल पर डाल देते हैं, केंद्र पर डाल देते हैं, लेकिन पंजाब में ये फंस गए एक्चुअली में आके। पंजाब की जो राजनीति है वो स्टेट लेवल की है, पंजाब में तो उन्हीं को सब कुछ करना पड़ेगा, उन्हीं के पार्टी को करना पड़ेगा वहाँ जाके। मुझे तो नहीं लगा कि पंजाब में बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई विकास कर लिया या इतना कम समय पर कोई ऐसे उन्होंने पॉलिसी ला दी कि पंजाब बहुत खुशहाल हो गया। जैसा था वैसा ही है आज भी। और दूसरी चीज़ है कि पंजाब में परिवर्तन चाहिए तो इसे लोगों ने वोट दिया है, ना कि केजरीवाल को देख के लोगों ने वोट दिया है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आज आप देख लो तो मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ, वहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनका तो यही कहना है कि वहाँ लोग कांग्रेस और अकालियों से परेशान हो गए थे इसलिए नई पार्टी बुलाई, वहाँ बीजेपी का तो कोई यही नहीं नई पार्टी बुलाई। और नई पार्टी के जिस तरह से दावे हैं और जिस तरह से बोला जा रहा है कि नशे की और ये सारी बातें, बेरोजगारी की बातें कर रही हैं, सत्ता में हैं तो नौकरी देनी चाहिए, बेरोजगारी की बातें क्या करना सही है? बिल्कुल नहीं, आप रोजगार दो, व्यापार करो, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करो जो कि पंजाब को बेहतर की ओर ले जाए। सबसे पहले तो आपको कि जो बाहर से जो सिंडिकेट होकर जो इतने नशा आता है, अब उसको रोकने के आपने क्या प्रयास किया? ठीक है, केंद्र सरकार तो जो करती है, आपकी तरफ से क्या एक्शन प्लान हुआ आज तक? कुछ नहीं हुआ। आपने कोई भी स्टेट लेवल का कोई ऐसी प्रोजेक्ट तो रखा नहीं। दूसरी चीज़ देखो,
आप दूसरे के ऊपर कब तक दोषारोप करोगे। सबसे पहले प्रॉब्लम केजरीवाल जी के ये है, केजरीवाल को लोग क्यों पसंद करते थे, क्योंकि एक पढ़े लिखे IAS थे और उनके उनकी जो जन्म हुई थी अलग हुई राजनीति से, एक आंदोलन से हुई थी। लेकिन इन्होंने तो राजनीति में आके राजनीति को ही बेकार कर दिया। सबसे बड़ी बात है किसी भी वादों को पूरा नहीं किया। लोग जहाँ पर वहीं पर हैं, बस प्रचार करना, झूठे वादे करना। आज कांग्रेस के साथ उनका वो प्रॉब्लम था, JDU के साथ प्रॉब्लम था, आज के साथ गठबंधन, हाँ लालू जी के साथ कर लिए चले गए। आप अपना एक अहमियत जो थी केजरीवाल की, उन्होंने अपने अहमियत को ख़त्म कर दिया। आप पे दो दो अच्छे मिनिस्टर जो आपके सत्येंद्र जैन हैं, मनीष सिसोदिया, हाँ उसमें एक तो आपका नशे के ही मतलब शराब नशे शराब में ही अंदर हैं मनीष सिसोदिया जो डिप्टी CM थे। तो देखिए केजरीवाल जो करते हैं और जो करते हैं दोनों में बहुत अंतर है। सबसे अच्छा सबसे मेन ये है ना कि वो जनता की किसी भी वादों को मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जनता को सिर्फ विज्ञापन दिखा के और जनता को बहलाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनका चीफ मिनिस्टर ही उस लायक नहीं है। सबसे बड़ा पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो सबसे बड़ा खुद नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। मैं तो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है खुद नशे का बहुत बड़ा सौदागर है, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध TV। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।